मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. पति मुदप्पा मरप्पा जगले अभी न्यू जगजीवन राम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और अपने खुद के घर में मकान में वो अब जाएंगे। जनधन योजना चलाकर हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को देश की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। आज यहां पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को बैंकों से मदद दी गई है और कुछ टोकन मुझे यहां देने का अवसर मिला है। 10,000 देश भर में फुटपाथ पर छोटी छोटे काम करने वाले लोग, सब्जी बेचने के लिए अपनी सोसाइटी में आकर के सब्जी बेचने वाले लोग, दूध बेचने वाले लोग, अखबार बेचने वाले लोग, रास्ते पर खड़े रहकर के खिलौने बेचने वाले लोग, फूल बेचने वाले लोग, ऐसे लाखों साथियों को पहले किसी ने पूछा नहीं था और जिनको किसी ने पूछा नहीं मोदी ने उसको पूजा है। आज मोदी ने पहली बार इन्हें पूछा है, इनकी मदद के लिए आगे आया है। इन साथियों को पहले बाजार से मांगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं थी। मोदी ने इनकी गारंटी ली, बैंकों से मैंने कहा कि मेरी गारंटी है, उनको पैसे दीजिए, ये गरीब लोग लौटा देंगे। मेरा गरीब पर भरोसा है और आज बिना गारंटी को ये रेड़ी पट्टी वाले लोगों को बैंक से लोन मिल रहा है। ऐसे साथियों को अभी तक हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। मेरे परिवारजनों, सोलापुर तो उद्योगों का शहर है, मेहनत का मजदूर भाई बहनों का शहर है। यहां निर्माण कार्य से छोटे और लघु उद्योगों से अनेक साथी जुड़े हुए। सोलापुर के वस्त्र उद्योग की पहचान तो देश और दुनिया में है। सोलापुरी चादर के बारे में कौन नहीं जानता। देश में यूनिफॉर्म का काम करने वाली एमएसएमई का सबसे बड़ा क्लस्टर सोलापुर में है। मुझे बताया गया कि यहां विदेशों से भी बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म के ऑर्डर आते हैं। साथियों, कपड़े सिलने का ये काम तो अनेक पीढ़ियों से चल रहा है। पीढ़ियां बदली, फैशन बदले, लेकिन क्या किसी ने कपड़े सिलने वाले साथियों के बारे में कभी सोचा था क्या? मैं इन्हें अपना विश्वकर्मा साथी मानता हूं। ऐसे हर विश्वकर्मा साथियों का जीवन बदलने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। और कभी कभी आप मेरे जैकेट देखते हैं ना, उसमें कुछ जैकेट सोलापुर से मेरा एक साथी बना करके मुझे भेजता है। मेरे मना करने पर भी बेहतर रहता है। एक बार तो मैंने उसको फोन करके बहुत डांटा, भाई तुम मुझे मत भेजो। बोले नहीं साहब, वो आज भी मुझे मिल गया है, बोले मैं लेके आया हूं। साथियों, ये विश्वकर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आधुनिक उपकरण दिया जा रहा है। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बैंकों से बिना गारंटी दिए लाखों रुपए का ऋण भी मिल रहा है। इसलिए मैं सोलापुर के सभी विश्वकर्मा साथियों से कहूंगा कि इस योजना से आप भी तेजी से जुड़िए। आजकल तो विकसित भारत संकल्प यात्रा
गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही है। इसमें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इसमें आप पीएम विश्वकर्मा सहित सरकार की हर योजना से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत आचार निर्मित साठी आत्मनिर्भर भारत बनावने जरूरी चाहे। विकसित भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए केंद्र सरकार एमएसएमईज को, छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में जब एमएसएमईज पर संकट आया तो सरकार ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद की थी। इससे लघु उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार खत्म होने से बच पाए। आज सरकार देश के हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी चला रहा है। वोकल फॉर लोकल का अभियान भी आज हमारे छोटे उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। आज जिस प्रकार दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, उससे मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार के इन सारे अभियानों का लाभ सोलापुर के लोगों को हो रहा है, यहां के उद्योगों को हो रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में, अगले मेरे कार्यकाल में भारत भी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाला है। मैंने देशवासियों को गारंटी दी है कि आने वाले मेरी टर्म में मैं पहले 3 देशों में दुनिया में भारत को ला करके खड़ा करूंगा। ये मोदी ने गारंटी दी और आपके भरोसे मुझे लगता है मेरी ये गारंटी पूरी होगी। आपके आशीर्वाद की ताकत है। अर्थव्यवस्था के इस विस्तार में सोलापुर जैसे महाराष्ट्र के हमारे अनेक शहरों की बड़ी भूमिका है। डबल इंजन की सरकार इसलिए इन शहरों में पानी और सीवेज जैसी सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है। शहरों को अच्छी सड़कें, रेलवे और हवाई मार्ग से जोड़ने का काम तेजी गति से चल रहा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग हो या संत तुकाराम पालखी मार्ग हो, इन पर भी तेजी से काम जारी है। रत्नागिरी कोल्हापुर और सोलापुर के बीच 4-लेन हाईवे का काम भी जल्द ही पूरा होगा। आप सभी परिवारजनों ने ऐसे ही विकास के लिए हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इसी विश्वास के साथ। साथियों, आज अपना पक्का घर मिला है, इन्हें पक्का घर मिला है, उनको फिर से बधाई। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.